नेक्स्ट पार्टिसिपेंट स्पीच के लिए जिसको मैं आवाज देना चाहूंगा जो दीप इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट है और वह कक्षा नवम का छात्र है, आ रहा है एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच लेकर मोहम्मद, एक बहुत ही बेहतरीन स्पीच लेकर आ रहा है कक्षा नवम का छात्र मोहम्मद नावेद आलम। नावेद, नावेद कम ऑन द स्टेज। मोहम्मद नावेद कम ऑन द स्टेज। नेशनल एंथम जिसका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल एंथम। जी हाँ ऑडियंस पुट योर हैंड्स टुगेदर। चीफ गेस्ट, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे आई वांट टू से व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल एंथम इन हिंदी। जैसे कि आप सभी जानते हैं यहाँ पे बहुत से पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत से नहीं पढ़े हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो नेशनल एंथम का महत्व नहीं देते हैं, और 10% ही लोग हैं जो महत्व देते हैं। आप सभी को पता है कि आप इस भारत महान देश के एक देश महान देशवासी हैं, और इस महान देश के महत्व है राष्ट्रगान। हमारे भारत में कुछ भी काम करने से पहले या भी कहीं भी काम करने से पहले राष्ट्रगान का आयोजन किया जाता है। लोग तो आयोजित करते हैं लेकिन उनका महत्व नहीं देता है, उनको उनका सावधानी से स्वागत नहीं करता है। जब नेशनल एंथम गाई जाती है या बजाई जाती है तो लोग इधर उधर घूमते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, सावधानी से खड़े नहीं रहते। आपको पता होगा कि तमिलनाडु एक भारत का एक राज्य है, और आपको पता होगा कि तमिलनाडु के उस राज्य के एक छोटे से गांव में जब राष्ट्रगान गाई जाती है या बजाई जाती है तो लोग वहां के खड़े होकर उनका स्वागत करते हैं, और वहां जो भी गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी को रोककर उनका स्वागत करते हैं, उनका महत्व देते हैं, पर बाकी शहरों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें राष्ट्रगान को उतनी महत्व देनी चाहिए जितनी कि आप हमने धार्मिक यानी अपना धर्म का किताब को देते हैं। आप सभी जैसे मुसलमान अगर कोई रास्ते से गुजर रहा है और वहां पे अगर आजान कोई आजान देते हैं तो वहां पे आजान को बड़े प्यार से रुक के बिना आवाज के सावधानी से सुनते हैं, उसी तरह हमारा राष्ट्रगान भी है। राष्ट्र भी हमारा एक धर्म है और हमें उस राष्ट्र का महत्व देना चाहिए। आपको मैं कुछ दो तीन एग्जाम्पल देकर आपको बता देता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो वहां के प्रेसिडेंट उनका स्वागत के लिए राष्ट्रगान का आयोजन किया था, पर उन्होंने वहां पे राष्ट्रगान का महत्व राष्ट्रगान के जब आयोजन किया तो वहां ना रुक के उन्होंने चलना शुरू कर दिया। तो उस छोटे से व्यक्ति के लिए हमारे महान देश पर एक छोटा सा छोटी सी गलती के लिए हमारे देश पर एक कलंक लग गया। आपको पता ही होगा कुछ साल पहले जब T20 का सेमीफाइनल कोलकाता में खेला जा रहा था पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थे, तो वहां पे एक पाकिस्तानी आदमी ने इंडिया के महान एक्टर अमिताभ बच्चन को दावत किया कि वह आकर वहां पे नेशनल एंथम गाए, तो उन्होंने आकर बड़ी प्यार से गाई, पर उन्होंने पावर सेकंड के जगह पे 1 मिनट 10 सेकंड लगाया तो उन पर उन पाकिस्तानी आदमी ने केस कर दिया और उन पर जुर्माना भरना पड़ा। और आपको यह भी पता है कि उन्होंने अपना देश के राष्ट्रगान को गाने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए, क्या ये सही है? आप इस तरह का बनना चाहते हैं? अगर नहीं बनना चाहते हैं तो आपको इस महान देश का महान राष्ट्रगान को महत्व देना पड़ेगा। कुछ ही दिन पहले प्रीति जिंदा ने क्या खूबसूरत यह व्यक्ति दिखाई है, उन्होंने यह बताया कि अगर थिएटर में फिल्म चलेगी तो उससे पहले राष्ट्रगान का आयोजन किया जाएगा और जो खड़े नहीं होंगे तो उन्हें थिएटर से बाहर निकाल दिया जाएगा, और उन्होंने ऐसा किया, एक आदमी को थिएटर से बाहर निकाल दिया गया। तो मैं कुल मिलाकर यह कहना चाहता हूं
ये राष्ट्रगान हमारे देश का एक महान गान है और ऐसी छोटी छोटी गलती करके हमारे देश के महानता को कम ना करे। धन्यवाद।